आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस प्रवेश वर्मा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और आपके पार्षदों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भेजा गया है। आपने कहा है कि 24 अप्रैल को प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके नेता दुर्गेश पाठक ने पार्षदों को टारगेट दे रखा है, आपके पार्षद रेहड़ी वालों से उगाही करते हैं और उनका कमीशन तय है। इस बयान को पूरी तरीके से गलत और अपमानजनक मानते हुए आपके एक पार्षद की तरफ से प्रवेश वर्मा को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया कि प्रवेश वर्मा 48 घंटे में माफी मांगे वरना उनके खिलाफ उचित सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जाएगी। और बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। बलराम, जो बयानबाजी, तीखे अल्फाजों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी करते थे के बीच चल रहा था, अब इसमें देखिए कोर्ट कचहरी भी शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी के सांसद और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने टिप्पणी की थी 24 अप्रैल को प्रेस वार्ता के दौरान, उस टिप्पणी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने घोर आपत्ति जताई है। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस तरीके से एक प्रेस वार्ता में प्रवेश वर्मा ने खास तौर से जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उन्हें टारगेट किया और कहा कि वो रेहड़ी पटरी वालों से उगाही करते हैं, उनका कमीशन तय है, जबकि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में ये कहा था कि हम एमसीडी में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो उगाही होती है, जो कमीशनबाजी होती है उसे खत्म करेंगे। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के पार्षद जो प्रवीण कुमार हैं उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो प्रवेश वर्मा हैं जो आम बीजेपी के सांसद हैं, इन दोनों नेताओं को उन्होंने नोटिस भेजा है और कहा कि अगर वो अपने बयान पर खेद नहीं जताते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो हम उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनकी छवि खराब हुई है और एक तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बदनाम करने की कोशिश की गई है और इसी को लेकर के उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि अभी तक जो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और ना ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा उनकी तरफ से आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लीगल नोटिस ये बता रहा है कि अब जो जुवानी जंग थी वो कोर्ट तक पहुंच गई है और कोर्ट में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद अपने पक्ष को रखते हैं और किस तरीके से जो बीजेपी सांसद हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस नोटिस के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का अपमान करते रहे तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो कोर्ट की शरण में जाएंगे और आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजकर आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।